देखिए, बहुत सारे लोगों के सामने एक चैलेंज आ रहा है, एक चुनौती आ रही है, वो ये है कि टेस्ट सीरीज देते समय नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए। टेस्ट देते हैं, बहुत से क्वेश्चन नेगेटिव में चले जाते हैं, उस वजह से जो स्कोर है वो अच्छा नहीं आता है। तो ये नेगेटिव मार्किंग को कैसे गिराया जाए, कैसे इसको तहस नहस किया जाए, देखिए इसमें आपको सबसे पहले समझना है कि इसमें जो की पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपको ब्लाइंड गैस नहीं करना है। आपको अगर किसी क्वेश्चन में चारों ऑप्शन में से किसी में कोई आइडिया नहीं है तो वो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको गांठ बांध लेनी है, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, अदरवाइज आपकी नेगेटिव मार्किंग कभी भी कम नहीं होगी। दूसरी चीज़ कि आपको खुद के जो अटेम्प्ट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो योर अटेम्प्ट्स कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपके कितने अप्रॉक्सीमेटली सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, एंड आपका एक ऑप्टिमम नंबर निकल के आता है कि इतने मेरे नेट में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो उससे आपको अपनी एक्यूरेसी पता लगेगी। तो अगर आपकी एक्यूरेसी ऑलरेडी आप मतलब इतना कर पा रहे हो कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है या आपके टेस्ट में एक डिसेंट नंबर आ रहे हैं, तो आपको अननेसेसरी अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो वो सही करो, और कुछ क्वेश्चन जो आप 20-25-30 अटेम्प्ट कर भी रहे हो एक्स्ट्रा, तो उनमें आपको ये होना चाहिए कि यार एटलीस्ट मैं दो ऑप्शन हटा लूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको चारों ऑप्शन नहीं मालूम थे और आपने अटेम्प्ट कर लिया, या आपने अगर एक ऑप्शन भी हटाया था और तीन ऑप्शन में डाउट था तो आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया, आपके चांसेस 33% सही होने के रहेंगे चांस क्वेश्चन के, जबकि अगर आप दो ऑप्शन में पहुंच जाओगे तो आपके 50% चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने अटेम्प्ट मालूम होने चाहिए। अटेम्प्ट आपको नहीं मालूम होंगे, आपको अपनी एक्यूरेसी का आइडिया नहीं होगा, तो फिर आप कितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, बिकॉज आपके दिमाग में ये होगा कि मुझे कैसे भी कट ऑफ क्लियर करनी है या मुझे टेस्ट में अच्छे नंबर लाने हैं। ये मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं टेस्ट के संदर्भ में बता रहा हूँ। इसके बाद में आप मेन चीज़ ये है कि आपको रिवीजन जो है उसको मस्ट रखना पड़ेगा। अगर आप रिवीजन अपना नहीं तगड़ा करोगे तो आपको कन्फ्यूजन होता रहेगा क्वेश्चंस में। अब होता क्या है यहाँ पे मेन चीज़, वो दूसरा पॉइंट में आपकी क्लियर हो जाएगी। वो ये है कि देखिए, क्वेश्चन अटैम्प्ट करते समय लगता है कि सही अटैम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन छोटी सी गलती से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये बहुत लोगों के साथ होता है, ये आपने देखा होगा कि जब क्वेश्चन को आप रीड करते हो तो आपको लगता है प्राइमा फेसी इट अपीयर्स कि आपको ये आता है, बिकॉज आपने वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो चीज़ पढ़ी होती है। आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो, आपको टेम्पटेशन होती है कि इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए। यहां पर प्रॉब्लम यह आती है एक्चुअल में, जिस वजह से आपका क्वेश्चन गलत होता है, कि आपने रिवाइज नहीं कर रखा है चीजों को। तो रिवाइज नहीं है, इस वजह से क्या है कि आपने एक दो बार सिर्फ पढ़ रखा है, तो आप फैमिलियर हो। बहुत से लोग इस चीज को यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चीज से उनको एक डाउट रहता है, उनको लगता है ऐसा कि उन्होंने उस चीज़ को तैयार कर लिया, लेकिन एक्चुअल में उस चीज़ से सिर्फ फैमिलियर हुए हैं। फैमिलियर इज द राइट वर्ड, उनको अभी क्लैरिटी नहीं है रिगार्डिंग थिंग्स कि एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट क्या था, फैक्ट क्या था, चीज़ें क्या थी, रियल आंसर क्या होगा, एक्चुअल आंसर क्या होगा, वो नहीं मालूम था। इट्स जस्ट कि वो उनको लग रहा था कि ऐसा होगा, तो उन्होंने उसको अटैम्प्ट कर लिया। और आप अगर अटैम्प्ट करोगे बट यू विल मार्क इट रॉन्ग, ये आपके साथ एक्चुअल में हो रहा है। आप इसका सॉल्यूशन क्या है, मेन बात तो यही आती है कि इसका हल क्या है, इस प्रॉब्लम का हल क्या है। हल इसका ये है कि आप ऑप्शन को हटाना सीखिए। जैसे चार ऑप्शन आए हैं तो जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, प्रायर नॉलेज है, उससे ऑड वन आउट जो स्ट्रेटजी होती है उससे, और भी जो हैक्स होते हैं पेपर को सॉल्व करने के डिफरेंट, उनके थ्रू आप ये ट्राई करिए कि आप कैसे ऑप्शन हटा पाते हैं, उनको टेस्ट में एक्सपेरिमेंट करिए, और ये ट्राई करिए कि कैसे भी आप दो ऑप्शन तक आ जाएं। अगर आप दो ऑप्शन में आ जाते हैं तो उसके बाद में आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने दो ऑप्शन नहीं हटाएं तो आप अटेम्प्ट करने से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि तीन ऑप्शन का मैंने आपको बताई दिया कि उसमें चांसेस ज्यादा सक्सेसफुल होने के आपके क्वेश्चन के नहीं है। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि जो एनालाइज आपको करना है उसमें, कि एक्चुअल में कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप गलत करते हो, ये आपको समझना पड़ेगा। बिना इस चीज को समझे आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पता है कि आपने ये चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ाया या टॉपिक को ढंग से नहीं पढ़ाया, तो उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आ रहा है तो उसको अटेम्प्ट करने से बचो अगर नहीं आपको आता है। और जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने ढंग से पढ़ रखे हैं, पहले से जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है, जिसके फैक्ट्स आपने ढंग से तैयार कर रखे हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो पहली बात तो आप कर लोगे, और अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी याद होगा तो उसमें अगर इंटेलिजेंट गेस भी करोगे ना, एक तुक्का भी लगाओगे, तो वो सही बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल क्विट इंडिया मूवमेंट है, अब क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में अगर आपने बहुत ढंग से पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट भी पढ़े हैं, फैक्ट भी पढ़े हैं, दो तीन किताबों को आपने फॉलो कर रखा है, तो होगा कि जब आप कोई उससे रिलेटेड नया क्वेश्चन भी देखोगे तो उसके जो ऑप्शंस हैं उनमें अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप एलिमिनेट कर पाओगे, बिकॉज यू हैव स्टडीड एनफ दैट टॉपिक, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन सपोज आपने कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में नहीं पढ़ा, अब आप उसको अगर अटेम्प्ट करोगे तो उसमें, बिकॉज आपने ढंग से पढ़ा ही नहीं है, तो उसमें अगर सिंपल सा भी फैक्ट लिखा होगा ऑप्शंस में, तो वो जो चार ऑप्शन होंगे वो आपको नए लगेंगे। तो वहां पर भले ही आपने कैबिनेट मिशन नाम सुना हो, बहुत आपने इधर उधर देखा हो कि कैबिनेट मिशन इंपॉर्टेंट है, भैया ने भी बताया था, सर ने भी बताया था कि हाँ वहाँ पर मैंने टेस्ट में भी पहले भी देख रखा है ये क्वेश्चन, लेकिन आपने वो क्वेश्चन को एक्चुअल में पढ़ा नहीं था, सिर्फ आप उस चीज़ से फैमिलियर थे, तो उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने लग जाना, उस टॉपिक में आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी वीकनेस है, और आप वो क्वेश्चन को गलत करोगे। आई होप आपको इस वीडियो से आइडिया लगा होगा कि एक्चुअल में निगेटिव मार्किंग से कैसे निपटना है, कैसे उससे डील करना है, और उसके बाद में क्वेश्चन कोई लग रहा हो कि वो सही है, हमको आता है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप उसके बारे में रियल डेटा आपके पास ना हो, आपको वो सही
स्टेज में ना आता हो तो उसको अटैम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको टेस्ट देने के बाद ही ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, इसलिए टेस्ट दीजिए, सीखिए, एनालाइज करिए। इसीलिए टेस्ट की एनालिसिस की वैल्यू होती है और मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताई भी है मेरे पुराने वीडियोज़ में भी, अगर आप देखेंगे तो बीच बीच में मैंने उसमें कई बार इंपॉर्टेंट चीज़ को इसको मेंशन किया है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, आपने पहली बार वीडियो देखा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, चाहो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, अनुज चतुर्वेदी UPSC, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल। आप वहाँ पर सर्च करोगे एंड यू विल फाइंड माई चैनल। अगर आप यहाँ तक आए और आपने ये इतना देखा है, इसका मतलब कि आप चीज़ें सीखना चाहते हो RO 2023 के प्लेन्स को क्लियर करने के लिए एंड आप एक सिंसियर कैंडिडेट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।